Assalamu alaikum student. Welcome to Alhamra School and College online classes. This is class 6, computer. I'm Ms. Zareen. Aaj hamara topic hai introduction to computer. Computer kya hai? What is a computer? Computer kya hai? Computer is an electronic machine that transforms data into meaningful information. यानी कि जो हम उसके अंदर data enter करते हैं उसको meaningful information के through हमें सामने show करता है. It has ability to store, उसके अंदर ability होती है, capability होती है कि वो चीजों को store कर सके, save कर सके, retrieve and process data. और उसको वेरीफाई कर सके. अगर जैसे आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है उसको वेरीफाई करता है और फिर उसको प्रोसेस करके हमारे सामने डिस्प्ले करता है. इट वर्क्स ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन. ये हमेशा इंस्ट्रक्शंस जो उसको दी जाती हैं उसी के थ्रू वर्क करता है. मतलब वही वर्क करता है जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं. इंस्ट्रक्शन के बगैर या इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो करना उसका काम है. इंस्ट्रक्शन के बगैर वो काम नहीं कर सकता. वी कैन यूज अ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स. हम कंप्यूटर को यूज करते हैं डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए, सेंड ईमेल्स, ईमेल करने के लिए, प्लेइंग गेम्स, गेम के लिए, एंड ब्राउज द वेब, यानी कि वेब पे सर्चिंग करने के लिए. वी कैन ऑल्सो यूज इट टू क्रिएट और एडिट प्रेजेंटेशन. इसको हम इसलिए भी यूज करते हैं कि हम उसको एक नई चीज, कोई नया डॉक्यूमेंट बनाए या प्रेजेंटेशन को एडिट और उसको दोबारा से बना सकें. इसको हम यूज करते हैं स्प्रेडशीट्स के लिए. स्प्रेडशीट्स होती हैं जो एक्सेल में यूज होती हैं और इसमें हम अपना मंथली जो आपकी इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, वो आप शो कर सकते हो, वीडियोज बना सकते हैं एंड एटसेट्रा. यानी इसके अलावा भी और भी काम कर सकते हैं. अच्छा, इसके यहाँ पे हमें अदर इंफॉर्मेशन भी दी गई है. इन 1833 एन इंग्लिश मैन नेम चार्ल्स बैबेज इन्वेंटेड ऑल द पार्ट्स दैट आर नाउ यूज्ड फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स. जो चार्ल्स बैबेज था उसने इन्वेंट किया है 1833 में कंप्यूटर के अंदर जो भी हम पार्ट्स यूज करते हैं वो तमाम उसी की इन्वेंशन है. बट आफ्टर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, यानी कि उसके 100 ईयर्स बाद फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय कोनार्ड ज्विस इन 1936. कोनार्ड ज्विस नाम के जो बंदा था उसने 1936 में उसको दोबारा से मॉडर्नाइज किया. ही named it Z1 और उसको नाम दिया Z1 का. In 1939 he developed the Z2 और 1936 में उसने Z1 develop किया था और 1939 में उसने Z2 develop किया. The first electromechanical computer in the world, जो कि पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था इस दुनिया का. अब ये आपने आपको नजर आ रहा है, कंप्यूटर की पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है. इसको हम पीसी कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है. यहाँ मेंशन किया हुआ है There are different types of computers. Some of them are shown below. यानी कि यहाँ पे अब जो है मार्केट में बहुत टाइप के कंप्यूटर अवेलेबल हैं जो कि यहाँ शो किए गए हैं, ठीक है. लैपटॉप है, लैपटॉप आपके घरों में मौजूद होता है, और टैबलेट है, फिर स्मार्टफोन है, फिर ये है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसको कहा जाता है, और ये
पीडी है, यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये आपके मतलब इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह इजी लेके जा सकते हो, पोर्टेबल होता है। और सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है और इसके ये स्पेस भी बहुत कंज्यूम करता है, और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो ऑन द स्पॉट वर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।